हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो ये वीडियो होने वाली है साइबरपंक 2077 के ऊपर। मेनली जो उसका पॉइंट होगा इस वीडियो का, वो होगा इसके जो गेम जो क्रैक हुई है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज और मेरे थॉट्स होंगे। तो ये एक नॉर्मल टॉक वाली वीडियो जैसी होगी। तो अगर आप इस चैनल में नए आए हैं साइबरपंक, या नॉर्मली मेरे चैनल को आप देखते हो, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और सब्सक्राइब बटन के साइड में नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है उसको दबा के ऑल पे करना बिल्कुल भी ना भूले, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो, नहीं तो डिसलाइक भी मेरे को चलेगा अगर किसी को ये वीडियो हर्ट होती है तो, और किसी को ये बात सही लगती है तो शेयर भी करें, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को भी, चैनल के लिए भी हेल्प होगा ये। तो चलिए चीज को ध्यान में रखते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि साइबरपंक तो पहले ही दिन ही क्रैक हो गई थी, तो तू अभी क्यों वीडियो लेके आ रहा है 3 दिन बाद, शायद से 3 दिन बाद ही ना। हाँ, तो मेजरली बोला जाए तो मेजर जो बड़े बड़े पायरेटेड साइट्स के जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली ही गेम डाली है। तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि चलो भाई, अब सब लोगों ने डाल दी है पायरेटेड गेम्स, अभी जाके थोड़ा सा वीडियो बना देते हैं कि कुछ हो तो लगे तो भाई। हाँ, तो जो इस वीडियो का जो मेन पॉइंट है वो है साइबरपंक 2077 की जो गेम क्रैक हुई है, और बहुत सारे लोग खुशी मना रहे हैं कि गेम क्रैक हो गई है। तो पर्सनली मेरा बोला जाए कि गेम जो है 8 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। हाँ, गेम में जब रिलीज हुई है अभी भी बग्स एंड ग्लिचेस हैं, मैं मानता हूँ गेम ऑप्टिमाइज नहीं है, बट वो मेनली कॉन्सोल्स के लिए है, और वो भी कॉन्सोल के अंदर PS4 एंड Xbox One के लिए, ना कि जो अब नेक्स्ट जन कॉन्सोल अब जो करंट जन हो गए हैं उनके ऊपर इतना बात है नहीं, और PC के ऊपर भी है बट इतना नहीं है कि आप नॉर्मली अगर आप बोलोगे कि भाई गेम में बग्स है मैं तो खरीद के नहीं खेलने वाला, मैं तो क्रैक ही खेलूंगा, ऐसी बात नहीं है। मैंने खेला है, बहुत सारे लोगों ने खेला है जो PC में खेल रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए, गेम अच्छी तरीके से वर्क फाइन कर रही है अपने PC में। हाँ, कहीं ना कहीं आपको ग्लिचेस दिख जाएंगे और सब हो जाएंगे, कोई वो तो इशू वाली बात है भी और नहीं भी। और अगर आपने एक बात नोटिस करी हो तो आपको पता होगा कि आजकल जितनी भी गेम्स आती हैं AAA टाइटल्स या AA टाइटल्स भी, जितनी भी ये टाइटल्स आती हैं गेम्स की, वो सारी की सारी अनऑप्टिमाइज्ड ही होती है स्टार्टिंग में, मतलब हाँ कुछ गेम्स को छोड़ करके, बट सबकी सब अनऑप्टिमाइज ही आती है। रेड डेड को ले लो, वॉच डॉग्स को ले लो, वॉलहाला को ले लो। वॉलहाला का न्यूज में को इतना नहीं पता, बट वॉलहाला शायद से अनऑप्टिमाइज थी, और भी रिसेंटली टाइटल्स ले लो, सबके सब थोड़े बहुत बग्स और ग्लिचेस के साथ आती ही हैं। वो तो अभी भी फिक्सेस आ रहे हैं, पैचेस आ रहे हैं, मेरे को अभी अभी डाउनलोड का ऑप्शन आया था जब मैंने स्टीम खोला था, 1 GB का अपडेट था। तो ये है, तो आप ये सोच के क्रैक खेलना चाहते हो कि गेम ऑप्टिमाइज नहीं है, तो ये बात तो आप थोड़ी सी गलत हो जाती हो, क्योंकि PC में ही क्रैक आई है अभी तक, तो वहां पे तो जेल ब्रेक करना पड़ता है पूरा का पूरा कॉन्सोल को, तो ये अलग चीज हो गई है। और जो गेम जो है वो क्यों क्रैक हो गई, कैसे क्रैक हो गई, तो गेम के ऊपर एक DRM लगा होता है जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट करके। DRM ऐसे आपकी हर चीजों के ऊपर ही लगा होता है डिजिटली, जो होता है आपके गाने मूवीज वूवीज के ऊपर होता है डिजिटल DRM। तो वो मूवीज वूवीज का थोड़ा हटा देते हैं, थोड़ा गेम के ऊपर बात करते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, और एक मैंने टेक्नीशियन भाई के साथ एक कोलैब वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने चीज बोला था कि DRM जो है गेम की परफॉर्मेंस को डिग्रेड करता है। हाँ, करता है, मतलब इतना नहीं दिखेगा, किसी गेम्स में बहुत ज्यादा दिखेगा, किसी गेम्स में नहीं दिखेगा। और कुछ स्ट्रॉन्ग DRM के बात करें तो आपका जैसे कि रॉकस्टार के जो DRMs होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट होते हैं, मतलब कि उसमें हाँ परफॉर्मेंस थोड़ी डिग्रेड हो जाती है बट एकदम ही बढ़िया होते हैं वो, उनको कोई भी क्रैकर को क्रैक करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आपकी रेड डेड जो आई थी, रेड डेड 2, वो भी 1 साल के बाद क्रैक हुई। GTA को भी, मतलब GTA 5 को, GTA 4 को भी क्रैक होने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। तो ये है। और अगर हम साइबरपंक 2077 की बात करें तो ये गेम DRM फ्री गेम थी। DRM फ्री गेम मतलब कि इसमें कोई DRM नहीं था। आप चाहे तो, जैसे कि मैं आपको सजेस्ट तो नहीं करता हूं, मैं बस आपको बता देता हूं कि इस गेम को क्रैक करने की भी जरूरत नहीं है, बस शेयर कर दोगे ना गेम तब भी वो चलेगी, तो इसमें कोई क्रैक करने वाली बात नहीं है। हाँ, बड़े बड़े जो आपके क्रैकर्स होते हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है अभी लेके आ रहे हैं, तो हाँ वो क्रैक बोल रहे हैं बट वो कुछ नहीं है, बस इंस्टॉलेशन एक सेटअप होता है, वो एक नॉर्मल सा ही है। तो ये है, DRM फ्री है। अब आप ये बोलोगे कि जो CDPR है, CD Projekt Red, जो इनके डेवलपर्स हैं, इन्होंने DRM क्यों नहीं लगाया, तो मैंने आपको ये वाली बात भी बहुत पहले मैंने बोल चुका हूं कि CDPR जो है, मैंने जितना उनका एक इंटरव्यू सुना था, मेरे को नहीं पता ये सच्चा है कि नहीं सही है, उन्होंने ये बोला था कि जो हम ऐसी गेम बनाना चाहते हैं कि जो सामने वाला खेले तो उसको ऐसा लगे कि ये गेम मैंने क्रैक करके खेली, बहुत गलत काम किया उसने, उसको गिल्ट सा फील होना चाहिए। तो ये उनकी ऐसी सोच है, मैंने जितना सुना, अब गलत भी हो सकता हूं मैं, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को करेक्ट करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो मैं तो सजेस्ट आपको यही करूंगा कि अगर आपको गेम खेलनी है तो क्रैक करके ना खेले आप। हाँ, अब आप में से बहुत सारे लोग मेरे को बोलोगे कि तू कौन होता है मेरे को बताने वाला, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो क्रैक करके खेलूंगा। तो अब आपको ये सुनने में थोड़ा
रूड लग सकता है, बट मैं रूड वे में नहीं कह रहा हूँ। आपको गेम खेलने की जरूरत नहीं है, मतलब कि गेम कहीं भाग नहीं रही है, गेम कहीं आपको पैसा कमा के नहीं दे रही है, तो आपको जरूरत भी नहीं है गेम को खरीद के खेलने की, और खेलने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ये रूड लगता है तो कोई बुरी बात नहीं है, हाँ आपको लग सकता है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, बट मैं एज अ नॉर्मल की तरह बोल रहा हूँ कि आपको क्रैक करके नहीं खेलना चाहिए। क्या पता आप इस नजर से भी सोच के चल सकते हो कि आप किसी के लिए फ्री में तो काम करोगे नहीं, आप भी तो पैसे लोगे ना अपने काम के लिए। और अगर आप नॉर्मली क्रैक की बात करो तो वो तो आपको सबको पता होता है, सब गलत होता है, बट हाँ लोगों के पास नहीं होते पैसे, नहीं होते खरीदने के, तो मैं सिर्फ आप लोगों को समझा सकता हूँ। मैं आपको कोई पुश नहीं कर सकता कि भाई तुम पैसे खरीदो ये वो करके, मैं पैसे दूंगा, मैं नहीं दे सकता भाई तुम लोगों को पैसे, सीधी सीधी बात है, जस्ट मेरा काम है आपको समझाने का, मैंने आपको समझा दिया है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं इंस्टाग्राम पे कॉमेंट सेक्शन में कि मैं GTA 5 को क्रैक करके नहीं खेलना चाहता, मैंने मिस कर दी थी, तो आप अपना अकाउंट दे दो या मेरे को गेम दे दो। मैं नहीं दे सकता, मैं रिप्लाई भी नहीं देता ऐसे लोगों को। अब आप ही बताओ मैं क्या रिप्लाई दूं, गेम का अकाउंट तो दे नहीं सकता मैं, सीधा बोलते हैं कि भाई दे दो, तो समझने वाली बात है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि ये तो वन साइडेड वीडियो है, ये तो सिर्फ इसी चीज को लेकर पकड़ के बैठा है कि आपको गेम को क्रैक नहीं करनी चाहिए, तो हम सबको पता है। पता है, फिर भी अगर आप दूसरे मतलब फोरम्स में कम्युनिटी में जाके देखोगे क्रैक गेम्स की, जो भी है पायरेटेड साइट्स, कमेंट सेक्शन में मेंशन मत करना, सभी को पता होता है, उनमें जाके देखोगे तो ऐसी लहर आई हुई है जैसे कि पता नहीं कौन सा तीर मार रहे हैं वो क्रैक गेम डाउनलोड करके। हाँ हर किसी का वो होता है, बट अगर आप शो ऑफ कर रहे हो, मेरे को नहीं लगता कि आप कोई बड़ा काम कर रहे हो शो ऑफ करके। लोग अपने फोल्डर्स पे फोल्डर्स दिखाते हैं फोटो खींच के स्क्रीनशॉट्स लेकर, मैं देखता था लोगों के, मैंने कभी कमेंट पास नहीं किया, वो डिपेंड करता है हर किसी के पर्सन टू पर्सन में। तो जो भी है, मेरा जो इतना पर्सनल ओपिनियन और थॉट तो यहीं तक था। मैं साथ ही साथ में एक अपडेट देना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे कि मैं गेम की वीडियो कब डालूंगा ये होकर के गेम प्ले की, तो मैं पर्सनली बोलूँ तो मेरा गेम प्ले डालने का ना मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा गेम को। मतलब कि मेरे दिमाग में बार बार यही चल रहा है कि मेरे को गेम प्ले अभी डालना है, कल डालना है, ऐसे एडिट करना होगा, ऐसे एडिट करना होगा, 10 चीज़ें चल रही हैं, मतलब फिर ना मेरे को मज़ा है, मैं एक इन्जॉयमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। मेरे को ऐसी नॉर्मल वीडियोस ही डालने में ज़्यादा मज़ा आता है जिसमें मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, तो देखते हैं। अभी रिसेंटली तो मैं डाल नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, और वीडियो में भी कुछ ग्लिचेज आ गए थे, मतलब डीसिंग हो गई थी वीडियो, आवाज़ थोड़ी पहले आ रही है, शो थोड़ा सा लेट हो रहा है, वो उसमें हो गया था रिकॉर्डिंग में। तो जो भी है, मैंने आपको इतना अपडेट दे दिया, और मेरा ओपिनियन जो था क्रैक जो भी है साइबरपंक के क्रैक के ऊपर है, तो इतना ही था। तो ये वीडियो इतनी थी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा, अगर आप लाइक करेंगे तो मेरे को लगेगा कि आप इस वीडियो से इस मेरी बात से एग्री कर रहे हो, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा वीडियो पसंद आती है तो अपने गेमर्स फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए जो मेरे जैसे ओपिनियन में रखते हैं, साथ देते हैं, तो ये है। और अगर आपको ऐसी गेमिंग एंड गेमर से रिलेटेड कॉन्टेंट चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जैसे कि मैं आपको कहता ही हूँ, सब्सक्राइब बटन के साइड में नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, उसको दबा के ऑल पे करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जैसे ही मैं डालूँ तो उससे पहले आपको देखने को मिल जाए। और आपके पास कोई भी कॉमेंट है, फीडबैक है, तो मेरे कॉमेंट सेक्शन को जरूर से यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।